मध्य प्रदेश के सरपंच अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान लागू कराने सहित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर 30,000 से ज्यादा सरपंचों ने भोपाल में बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। 1 जुलाई को मनरेगा के नए प्रावधान को लेकर जारी हुए आदेश के विरोध में एमपी के सरपंच सड़क पर उतर आए हैं। भोपाल में सीएम हाउस घेरने पहुंचे पंच सरपंचों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की जिद करते हुए धरना दिया। 30,000 से ज्यादा सरपंच अंबेडकर मैदान में जमा हुए। सरपंचों से बात करने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे, लेकिन सरपंच मंत्री की बात से सहमत नहीं हुए। इसके बाद वे सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकल पड़े। सरपंच जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आज हम हमारी जो 24 सूत्री मांग है उसको लेकर के प्रदेश भर के पूरे सरपंच यहाँ भोपाल में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा लोक विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, परंतु ग्राम पंचायत की ओर बराबर ध्यान नहीं दिया गया एवं कई नियमों में बदलाव किए गए जो जनता के हित में नहीं है। और हमने जो जनता से वादे किए हैं वो हम कहीं ना कहीं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जनता के सामने सरपंच झूठा पाया जा रहा है वो सरकार की नीतियों के कारण। हम सरकार के विरोध में नहीं है, परंतु सरकार ने सरपंचों के साथ विरोध किया है। इसी को लेकर के आज 23,000 सरपंच मध्य प्रदेश के यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।